और इस समय टाइम हो गया है करीब दोपहर के 12:30 बजे और मौसम भी बढ़िया हो रहा है, करीब 17-18 डिग्री। तो ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंडी है। मैं और मेरी वाइफ हम लोग जा रहे हैं डैंडनोंग रेंजेस, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। हम लोग डैंडनोंग रेंजेस हैं जो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे अक्सर लोग जो हैं फैमिलीज वो आती हैं चाय मठली ते चाय पापड़ी खाने ते नूडल्स खाने गर्मा गर्म ते लाइफ का मज़ा उठाने के लिए लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं। और ये वादियों में खो के ऐसा लगता है कि मन करता है कि गाना गाओ, लेकिन अगर मैं गाना गाऊँगा तो आप सब वीडियो बंद कर देंगे। तो अब हम आगे जो मिस मार्पल टी रूम है, जो चार की स्पेशल चाय है जिसे पीने के लिए हम उतावले हैं, हम वहां जा रहे हैं। अब वही मिलेंगे हम। गुड लक गाइस। तो गाइस ये तो मेरे पीछे जो है ये वही टी रूम है मिसेस मार्पल्स, और यहाँ पे 1 घंटे की वेटिंग है। और अब हमारा नंबर आएगा 4 बजे, इस समय 3 बज गए। तो हम यहाँ पे घूमेंगे, दुकानें देखेंगे और फिर 3:50 पे यहाँ पे वापस आएंगे। तो गाइस फाइनली 4 बज गए और फाइनली हमारा नंबर आ गया है। यहाँ पे हमेशा ये जगह खचाखच भरी रहती है, तो ऑलमोस्ट जब भी हम आए हैं यहाँ पे आधा 1 घंटे की वेटिंग रही है। तो गाइस ये जो मिसेस मार्पल जो टी रूम है हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और ये टी रूम जो है ये वैसे अगाथा क्रिस्टी जो राइटर है उनका बुक का एक कैरेक्टर है मिस मार्पल, जिसके ऊपर ये जगह बेस्ड है। और जो बुक का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है हॉलीवुड में, जिसमें मार्गरेट रदरफोर्ड नाम की एक्ट्रेस उन्होंने काम किया हुआ है, जिनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे पीछे। ये मूवी के सीन्स हैं यहाँ पे ऊपर लिखे हैं, जहाँ पे जो कैरेक्टर है मिस मार्पल का उसमें मूवी में डिपिक किया गया है। सो गाइस ये जो जगह है यहाँ पे फ्रेशली मेड स्कोन्स जिसके साथ मीठी मीठी जैम टेस्टी क्रीम जो आपके मुंह में घुल जाए वो यहाँ पे मिलती है, यहाँ की स्पेशलिटी है। तो चाय के साथ वो खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे चखने के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने से मिस मार्पल जो टी रूम है यहाँ पे आते हैं। तो
इस जगह के बारे में एक फन फैक्ट रह गया एक्चुअली कि यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ भी आई हुई है चाय पीने अपने चाय मट्टी ग्रुप के साथ. और यहाँ पे वैसे आके सारे लोगों का एक ही काम होता है, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ. तो गाइस अब हम लोग यहाँ से जो मिस मार्पल जो टी रूम है यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं. तो यहाँ पे अब हम थोड़ा बहुत घूमेंगे और इस समय टाइम हो गया है कुछ 4:30 बज गए, 4:30. तो इस समय यहाँ पे 4:30 हो गए हैं और ऑलमोस्ट जगह यहाँ पे एज यूजुअल जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे जगह जल्दी क्लोज हो जाती हैं और हम भी एक तरह से पूरे थक गए हैं इस समय. तो यहाँ पे घूमेंगे, शॉप्स थोड़ी स्कैन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या मिलती है चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ की. यहाँ से अब हम थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद हम घर को निकल जाएंगे. तो यहाँ से करीब 1 घंटा 20 मिनट दूर है. तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं. सो गाइस डैंडोंग रेंजेस में हमने घूम लिया है और शॉपिंग हो गई है, खान पान भी हो गया है और अब यहाँ से हम लोग आगे घर के लिए निकल रहे हैं. तो अब आगे मिलते हैं. तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं. इस समय हो गए हैं शाम के 6:30 और अब पूरी तरह थक चुके हैं. तो अगर आपको ये जो हमारा जो सफ़र है ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करिए और गाइस सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. गाइस कम ऑन शेयर करिए, प्यार बढ़ाइए. अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस.